हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBI बैंक के बारे में, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो IDBI बैंक फ्राइडे के दिन किस तरीके से ट्रेड हुआ, सबसे पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको आपको पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं। तो अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो फ्राइडे को 26th of March 2021 को 39.00 के ऊपर ओपन हुआ, जबकि इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस 37.95 थी। तो आप देख सकते हैं 1.05 रुपये ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद 40.10 का हाई बनाता है और 38.00 का लो बनाता है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 38.15 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 0.53% ऊपर है। अगर हम बात करें टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 2,19,38,168 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और डिलीवरी परसेंट देखें तो 36.5% है। हम बात करें इसके 52 वीक लो की तो 17.50 का है और 52 वीक हाई है 56.20 का। मार्केट कैप देखें तो इसकी है 41,020.41 करोड़ रुपए। BSE के ऊपर अगर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो 38.80 के ऊपर ओपन होने के बाद 38 का लो बनाता है और 40 का हाई बनाता है। टोटल यहां पे जो वॉल्यूम ट्रेड होता है अगर आप देखें तो 21,43,213 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल देखें तो 53.04% है। गाइस, हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो 17.50 का है और 52 वीक हाई है 55.75 का। IDBI बैंक, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है कि भारत सरकार के द्वारा ओन किया जाने वाला, इनडायरेक्टली भारत सरकार इसके अंदर ओन करती है और डायरेक्टली नहीं ओन करती है, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि IDBI बैंक के अंदर भारत सरकार स्टेक तो ओन करती है लेकिन इसको ओनर के रूप में नहीं बोला जा सकता है। ओनर इसका LIC है, क्योंकि LIC सबसे ज़्यादा स्टेक ओन करती है। तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको इस बैंक के बारे में डिटेल में समझा देता हूं। आइए पहले इसी को देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आपको ब्लू कलर जो दिख रहा है ये IDBI बैंक के प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC दोनों को मिला करके देखा जाएगा, क्योंकि LIC एक तरीके से भारत सरकार ही ओन करती है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो आप देखें यहाँ पे तो 94.7% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास दिसंबर क्वार्टर के लिए, जिसमें अगर आप देखें तो 48.12% लॉक भी है। अगर हम बात करें FIIs की तो FIIs इससे पहले ज़ीरो थे लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 0.3% स्टेक बना लिया है। DIIs की बात करें तो इससे पहले 0.1% के साथ थे लेकिन सितंबर के बाद दिसंबर क्वार्टर में 2.9%। पब्लिक शेयर होल्डिंग 1.8% हुआ करती थी लेकिन इस बार आकर के 2.1% हो गई है। तो आप देख सकते हैं FIIs और DIIs ने यहाँ पे स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करी है और मार्च क्वार्टर का डेटा रिलीज होगा तो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके का एक्शन लिया गया है। प्रमोटर की होल्डिंग में 94.7% स्टेक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सरकार के पास कितना है और LIC के पास कितना है, क्योंकि दोनों प्रमोटर में आते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के पास 49.24% की स्टेक है IDBI बैंक के अंदर। वहीं हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट के नाम से ओन करती हैं, 45.48% की स्टेक के साथ। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी में स्टेक है LIC के पास और ये इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने LIC से हो सकता है आने वाले टाइम में अपने कुछ स्टेक को कम करने के लिए या फिर बेचने के लिए बोल सकती है, क्योंकि भारत सरकार जो है IDBI बैंक के अंदर अपने स्टेक को थोड़ा बहुत कम कर सकती है, उसको ये बोले कि डाइल्यूट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार की तरफ से इससे पहले भी
पीसीए के रूप में इस बैंक को आरबीआई ने पीसीए के फ्रेमवर्क में डाला हुआ था, लेकिन पीसीए से इस बैंक को बाहर निकाले जाने की खबर आई थी जो मैंने आपको डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर हो रही हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बैंक की बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली प्रॉफिट बुक कर रहा है कि लॉस बुक कर रहा है, ये भी देखना बनता है। अगर आप एक होल्डर हैं इसके तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर के लिए इस बैंक ने 393.1 करोड़ का बुक किया, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 332.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर वन में अगर देखें तो 159.1 करोड़ की इनको नेट प्रॉफिट थी। तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट जबरदस्त हुआ है, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है आईडीबीआई बैंक। पीसीए के फ्रेमवर्क में सरकार ने इसको आरबीआई ने इसलिए डाल दिया था क्योंकि अगर ये बैंक प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कॉरपोरेट हाउसेस को लोन बांटेगा और वो कॉरपोरेट हाउसेस लोन अगर इस बैंक को वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस बैंक का बिजनेस कैसे चलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसीलिए आरबीआई ने इसके ऊपर आरबीआई ने पीसीए का एक पीसीए इम्पोज कर दिया था कि आप छोटे बैंक्स की तरह बिहेव करो, छोटे छोटे लोन बांटो, रिटेल पर्सन को लोन बांटो और आप पहले अपने प्रोफाइल को सुधारिए, उसके बाद आप आइएगा बड़े बिजनेस में। तो पीसीए 4 साल से इस बैंक को लगा हुआ था, लेकिन अब ये पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर हो गया। अब न्यूज़ क्या है गाइस, वो आइए देखते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक बोर्ड अप्रूव्स प्रपोजल टू रेज अप टू 3000 करोड़ वाया 81 बॉन्ड्स। यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइज आपको, आईडीबीआई बैंक का जो बोर्ड है इनकी मीटिंग रखी गई थी 26 मार्च 2021 को, यानी फ्राइडे के दिन। और इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला है, इसका कंक्लूजन ये निकला है गाइज कि मीटिंग में ये बताया गया कि 8000 करोड़ रुपए जो है ये बैंक जो है रेस कर सकता है जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर शुरू होने जा रहा है उसके अंदर। और 8000 करोड़ रुपए जो रेस होगा वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, जो कि एक या एक से ज़्यादा बार में ये रेस कर सकते हैं मार्केट से। यहाँ पे आईडीबीआई बैंक ने एक चीज़ और बताई कि 3000 करोड़ रुपये जो है एडिशनल T1 81 बॉन्ड्स, यानी एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स, जो कि एक या एक से ज़्यादा बार में निकाल सकते हैं, जबकि 1000 करोड़ रुपए जो है सीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के रूप में ये प्राइवेट प्लेसमेंट के रास्ते से रेज करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि April 1, 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ये बात जो है बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने 23 मार्च 2021 को ही हिंट कर दिया था, ऐसा नहीं कि हिंट नहीं किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 26 मार्च 2021 को बैंक के बोर्ड ने ये बात जो है अप्रूव करी है। इससे पहले गाइस आपको बताना चाहूँगा, आईडीबीआई बैंक ने इससे पहले भी फंड को रेस किया था मार्केट से। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स जो ये इशू करेंगे, ये 44 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हैं और जो फ्लोर प्राइस तय करी गई है 40.63 पर शेयर के हिसाब से करी गई है। इससे पहले बैंक ने जो रेस किया था अमाउंट वो था 1435 करोड़ रुपए, लेकिन बैंक का टारगेट था 2000 करोड़ रुपए रेस करने का मार्केट से, लेकिन ये बात अब 1435 करोड़ रुपए ही उठा पाया था मार्केट से। क्योंकि देखिए, कोई भी बैंक जो होता है उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। अगर किसी बैंक की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा हाईली मैनेज्ड है तो डेफिनेटली मार्केट से उसको फंड को रेज करना उतना ही ज़्यादा इजी होता है, उतना ही ज़्यादा उसके लिए आसान होता है। लेकिन अगर कोई बैंक पीसीए के फ्रेमवर्क से जस्ट बाहर आ रहा है और ये सोचे कि मार्केट से आँख बंद करके पैसे उठा लें तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर भी इस बैंक के साथ कुछ ऐसा ही है। ऑल्दो पीसीए से बाहर हो चुका है, बिजनेस सही से करता है, प्रॉफिटेबल, अगर क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट्स निकालता है, तो डेफिनेटली इसी मार्केट में एक रेपुटेशन बढ़ेगी और डेफिनेटली इसके अंदर लोग बिलीव करेंगे और इसको मार्केट से पैसा उठाना आसान हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जो प्राइस रखी गई है पर पीस के हिसाब से, जो फ्लोर प्राइस रखी गई है 40.63 पर शेयर के हिसाब से रखी गई है, और शायद आपने देखा कि इसी की वजह से इसके अंदर गिरावट भी है। आप याद रखिएगा, कभी भी जो ये फ्लोर प्राइस है इसी के आसपास इसका LTP जो है आपको देखने को मिल सकता है।
फंड को रेजिंग करते फंड रेज करते समय जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस होगा इसके फ्लोर प्राइस के आसपास जो है मूव करता हुआ दिखता है। ओके सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जरूरी होता है कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका बैंक है, आप अपने बैंक के अंदर क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस, एनकरेज दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स देन इफ यू कैन द प्लीज़ डू सो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट यू कैन फाइंड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, क्लिक ऑन दैट लिंक टू ओपन अकाउंट इन अपस्टॉक। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।